अब बड़ी खबरों का, और शिवपुरी में सड़क हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां इस सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी और बाइक सवार 2 सगे भाई और एक बेटे की मौत हो गई मौके पर ही। दरअसल खरगोन गांव के खुरगार गांव के रहने वाले थे ये सभी, और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। बाइक सवार 3 लोगों को स्वास्थ्य विभाग की एक गाड़ी से टक्कर लगी और इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। शिवपुरी से ये पूरा मामला सामने आया। खोरगार गांव का ये परिवार बताया जा रहा है, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 सगे भाई और एक बच्चा शामिल बताया जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी से दुर्घटनाग्रस्त होने पर 3 की मौके पर ही मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी थी और बाइक सवार 2 सगे भाई और एक बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। खोरगार गांव के रहने वाले परिवार के 3 लोगों की एक साथ इस सड़क दुर्घटना में जान चली गई। कैसे और किन हालातों में ये दुर्घटना हुई, इसके बारे में और डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। शिवपुरी सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत का ये पूरा मामला, स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक ही परिवार के 2 सगे भाई और एक छोटा बच्चा भी शामिल बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी से ये टक्कर लगी थी। और अगली खबर भिंड से, जहां दबंगों ने एक शख्स के साथ मारपीट की। दरअसल पुरानी रंजिश में नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया और घर में घुसकर बेरहमी से मारपीट की गई और एक शख्स की जान बचाने के लिए पड़ोसी के घर में जा छिपा वो शख्स और पड़ोसी के घर में घुसकर मारपीट की गई। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया। दरअसल गंभीर हालत में इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये वीडियो जो इस मारपीट के दौरान का बताया जा रहा है, और मारपीट की गई, देखिए किस तरह से रबर के पाइप से डंडे से उसे मारा जा रहा है। कई लोग मिलकर उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और दबंगई और बदमाशी का ये वीडियो भिंड से सामने आया है। लगातार बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर की मध्य प्रदेश में चिंता करने वाला आखिर कौन है, ये अहम सवाल। पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया और रवि रमन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। रवि, लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती व्यवस्था का ये सबसे माकूल उदाहरण है। जी, इसी साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि सवाल लाजमी है, क्योंकि इस तरह से अगर यदि मारपीट होती रहेगी और कहीं ना कहीं उनके ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे इस तरह से वायरल होंगे, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। आखिरकार पुलिस का इतना खौफ क्यों नहीं है इन अपराधियों में, क्योंकि जो अपराध करने से पहले इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है कि हम इस तरह से बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं, एकजुट होके उनके साथ इस तरह से मारपीट कर रहे हैं। क्योंकि ये मामला जो है वो अभी TI कोतवाली से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि ये पुरानी बस्ती का मामला है जहां पर इनका पुराना विवाद चल रहा था, पुराने विवाद के राजनामा को लेकर इनमें आपस में कहा सुनी हुई और कहा सुनी के बाद इन्होंने बेरहमी से एक युवक को घेराबंदी करके इतनी बेरहमी से पीटा और उसने न्याय की गुहार लगाता रहा और कहीं ना कहीं वो बचाव के लिए लगातार गुहार लगाता रहा, लेकिन इनका बिल्कुल भी दिल नहीं पसीजा और लगातार डंडों से ये पिटाई करते रहे। और इसका जो मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, पुलिस ने तत्काल इस पर संज्ञान तो ले लिया है और फिलहाल जो आरोपी है उसको चिन्हित कर लिया है और उस पर मामला भी दर्ज कर लिया है और उसके लिए जो आरोपी को पकड़ने के लिए टीम भी रवाना कर दी है। जल्द ही आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होंगे, ऐसा कहना है TI कोतवाली का। और ये वीडियो जो है सब सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया और जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, एक चिंता का कारण बना ही हुआ है। रवि रमन, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इंदौर में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा का एक बेतुका बयान सामने आया। उन्होंने मंच से यह कहा कि जैसे बांग्लादेश में सरकार की गलत नीतियों के चलते जनता प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आवास में घुस गई और कब्जा कर लिया, ठीक उसी तरह से भारत के भी हालात होंगे। उन्होंने कहा कि नाराज जनता पहले श्रीलंका में प्रधानमंत्री निवास में घुसी, बांग्लादेश में यही हुआ और अब अगला नंबर भारत का है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी।
अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी, अब भारत का नंबर है बांग्लादेश। अब बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे से। वासु, ठीक है, राजनीतिक विरोध होना, राजनीतिक स्तर पर आपके नीतियों का विरोध करना विपक्ष का काम होता है, लेकिन जिस तरह से एक भड़काने का ये बयान, एक भड़काऊ भाषण इसे कहा जा सकता है, सज्जन सिंह वर्मा का जो बयान सामने आया बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हाल भारत में होने की जो बात उन्होंने कही है। बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश में जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां इस वक्त निर्मित हुई हैं, वहां पर तख्ता पलट हुआ है मौजूदा सरकार का, और उन्हीं स्थितियों के को लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, अब बीजेपी की केंद्र की सरकार पर निशाना साधा है, और लगातार सज्जन सिंह वर्मा अपने बयानों के चलते, अपनी मुखरता के चलते चर्चा में रहते हैं और केंद्र शासन पर निशाना साधते। उन्होंने ये जरूर कहा है कि जिस तरीके के हालात देश में बनते जा रहे हैं, जो आलम है, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन सबके कारण जनता बहुत दुखी है और आक्रोशित है, और किसी दिन बांग्लादेश श्रीलंका जैसी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं भारत में भी बन सकती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब प्रदेश में सियासी बवाल खड़ा हो गया है, बीजेपी के जो नेता हैं, समर्थक हैं, वो सज्जन सिंह वर्मा पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार जो है वो बीजेपी की बनी है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सरकार बनी है, जनता को पूरा भरोसा है और भारत लगातार मजबूत हो रहा है। जहां हमारे पड़ोसी देशों में लगातार माहौल खराब हो रहा है, राजनीतिक बड़े उलटफेर वहां पर चल रहे हैं और जनता त्राही त्राही कर रही है, वैसी कोई भी स्थिति मध्यप्रदेश में और भारत देश में नहीं है। यहां पर सारी व्यवस्थाएं जो है वो कानून के अधीन है, कानून व्यवस्था जो है वो लगातार बनी हुई है और जनहित के काम हो रहे हैं। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर आने वाले समय में और भी ज्यादा जो सियासत है वो देखने मिलेगी। आशीष, निश्चित रूप से। और वासु, जो कि जिस तरह की परिस्थितियां और जिस तरह के हालात भारत में होने की बात कही जा रही है, विपक्ष की भी कमजोरी से कई बार ऐसा होता है, क्योंकि जनता की आवाज अगर विपक्ष नहीं उठा पा रहा है तब जनता को सड़कों पर उतरना पड़ता है, और वर्तमान जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के हालात हैं, मौका मिला है उन्हें राजनीतिक रूप से कटाक्ष करने का, और इस बयान को लेकर कोई और प्रतिक्रिया कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, क्योंकि ये बयान निश्चित रूप से किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल, देखिए दूसरे देशों की स्थितियों से देश को कहीं ना कहीं कंपेयर करना इस बयान को लेकर जरूर राजनीतिक जो बयानबाजी है वो अब शुरू हो गई है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, मध्यप्रदेश में तो क्लीन स्वीप हो गया, लेकिन देश भर में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी जिस तरीके से एग्रेसिव नजर आए पूरे सदन के दौरान, बजट सेशन के दौरान, और उन्होंने भी कई तरीके के जो आरोप है वो केंद्र की सरकार पर लगाए, और उसके बाद अब कांग्रेस के नेताओं के बड़े बड़े जो बयान है और मुखरता से जो बयान है वो कहीं ना कहीं। मैं वासु लौटूंगा आपके पास। अभिनव जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए और मिलिंद हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए, बहुत स्वागत है आप दोनों का। अभिनव, पहले ही रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा। सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे हालात नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की वजह से भारत में भी हो सकते हैं, इस बयान को क्या आप उचित मानते हैं? देखिए सबकी अपनी सोच होती है, मैं किसी बयान को उचित और अनुचित कहने वाला कोई नहीं होता हूं। सब अपने तरीके से समझ के अनुसार बयान देते हैं। सज्जन सिंह वर्मा जी अपना बयान देते हैं, वीडी शर्मा जी चिट्ठी लिखते हैं, आप सोचिए मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत खराब है उसको लेकर चिट्ठी लिख रहे हैं, तो आप सोचिए प्रशासन वो भी अपनी व्यथा बता रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, कितनी भयानक स्थिति होगी शासन प्रशासन की कि उन्हें चिट्ठी लिखनी पड़ रही है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो जनता की कहां सुनवाई हो रही होगी। उसी परिप्रेक्ष्य में हर इंसान अपनी बात रखता है। सज्जन सिंह वर्मा जी ने भी, मैंने कोई बयान उनका सुना नहीं है, लेकिन बस आपके चैनल में जब मुझे जोड़ा गया तो बताया गया कि उन्होंने कहा है कि नीति और जो होती है नीति है उनके कारण श्रीलंका और बांग्लादेश में जो स्थिति है वो भारत में भी उत्पन्न हो सकती है, वो उनकी अपनी सोच है। भगवान ना करे ऐसा कभी हो भारत देश में कि ये बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसी स्थिति हमारे देश में आए, सब अच्छे से समृद्ध रहे सब लोग सोचते हैं। लेकिन जब सोचिए भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, मतलब सोचिए वीडी शर्मा जी चिट्ठी लिख रहे हैं कि सड़कें खराब है और जो भी समस्या है, आप भोपाल की सड़कें देख लीजिए, मंत्रालय के अलावा कहीं पर भी सड़कें नहीं है, जनता में हाहाकार है, परेशान है जनता, रोजगार को लेकर परेशान है जनता, महंगाई को लेकर परेशान है जनता, तो जो सवाल पूछे जाते हैं उस पर सरकार जवाब नहीं देती है। तो ये सब बातें, हो सकता है सज्जन सिंह वर्मा जी के मन में भी कोई पीड़ा हो, जैसे वीडी शर्मा जी के मन में पीड़ा थी कि उनको चिट्ठी लिखनी पड़ी। समझे आप मेरी बात? बिल्कुल समझ गए सर। और इस पर एक रिएक्शन और ले लेते हैं, हमारे साथ मिलन भार्गव जी भी मौजूद हैं। मिलन जी, अभिनव जी ने तो अपनी मजबूरी जता दी कि वो किसी की सोच के बारे में कहने वाले कोई नहीं होते, लेकिन आपकी पार्टी सत्ता में है
और अगर विपक्ष का कोई नेता या विरोधी दल का कोई नेता अगर ऐसी बात कहे कि प्रधानमंत्री आवास में लोग घुस जाएंगे तो ये एक तरह से विपक्ष की भी नाकामी हो सकती है, क्योंकि अगर जनता की आवाज विपक्ष ठीक तरीके से नहीं उठाएगा उसके बाद जनता के पास मजबूरी में और कोई कदम नहीं रह जाता है। सज्जन वर्मा जी वो नेता है जो सज्जनता के साथ कांग्रेस की विचारधारा को हमेशा उजागर करते आए, ये वही नेता है जो महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन कहते थे। अगर आप देख लिए जो इनके ही नेता जिस प्रकार से देश में अराजकता का माहौल और आतंकियों का साथ होने की बात कर रहे हैं, ये चाहते हैं देश में आगजनी हो, देश में सत्ता ना मिल पाने के कारण आज इनकी तीज देख लीजिए कि कांग्रेस की आंतरिक मंशा क्या है। कांग्रेस चाहती है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे हालात भारत में हो, भारत जो विकसित राष्ट्र बनने का सपना देख रहा वो ना होकर आतंकियों की भेंट चढ़ जाए, और ये आतंकियों से बार बार जो सांठगांठ कांग्रेस की उजागर होती आई है ये वही मंशा है जो सज्जन वर्मा जी सज्जनता के साथ उजागर कर रहे हैं। ये वही मंशा है जो सेम पित्रोदा चाहते थे कि इस हिंदुस्तान के बहुसंख्यक समाज की संपत्ति को लूट कर मुसलमानों को दे दिया जाए। ये वही मंशा है जो कहती है कि देश बंटवारे की भेंट चढ़ जाए एक बार पुनः और टुकड़े टुकड़े हो जाए। ये हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इनकी इनकी मंशा सत्ता में रहकर विकास की करने की थोड़ी, जनता की हितों की रक्षा करने की थोड़ी है, इनकी मंशा है अपनी तिजोरियों को भरना और इस देश के संसाधनों का भरसक उपयोग करके जीवन यापन करना जो करते आए हैं। ये मंशा है घातक है इस देश के लिए, कहीं ना कहीं ये इंगित कर रही है कि इनके आंतरिक मंशा क्या चल रही है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि दिल्ली में जो ये किसानों का आंदोलन करने की बात बार बार करते हैं इसके पीछे इनकी मंशा ही है। ये खालिस्तानियों का जो समर्थन खुली संसद में कर चुके हैं इनके नेता, चन्नी ने साफ कर दिया कि खालिस्तानियों की जो मंशा है वो कांग्रेस की मंशा है। ये चाहते हैं कि देश के पीएम आवास में कब्जा हो जाए, संसद में आगजनी हो जाए और ये पुनः एक बार फिर हिंसक रूप से इस देश पे कब्जा कर सके। ये मंशा जाहिर हो गई सज्जन जी, और यदि इस मंशा से जी ने वो बयान सुना नहीं था सज्जन जी वर्मा का, कांग्रेस पार्टी मैं मिलन जी आपके पास लौटूंगा, अभिनव जी ने वो बयान नहीं सुना था, मैं चाहूंगा एक बार फिर से वो बयान चलाया जाए जिससे कि अभिनव जी को स्पष्ट हो जाए कि वो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जीतू पटवारी की मौजूदगी में कर रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा लोगों के सामने। बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जीतते सड़क पे हिलोरे दे रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी, अब भारत का नंबर है बांग्लादेश। अभिनव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिनव जी, जब सरकार की नीतियों से जनता आहत होती है, सरकार जब उनकी नहीं सुनती, और जैसे कांग्रेस के नेता कई मंचों से कह आए हैं कि धोखा देकर झूठ बोलकर बीजेपी सत्ता में आई, ऐसे आरोप जो लगे हैं, ऐसे में विपक्ष ही एकमात्र सहारा होता है। अगर विपक्ष के और विरोध के नेता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ये तो जनता को भड़काने वाली बात हो गई। सर कल भी लाठी डंडे खाए हैं, जनता के टैक्स की बर्बादी जिस तरीके से कर रही है और मौज कर रही है भाजपा की सरकार, क्योंकि सड़कें देखिए आप, जनता के टैक्स की बर्बादी जिस तरीके से कर रही है, रोजगार नहीं दे रही है सरकार, वो देखिए आप कैसे लाठी डंडे खा रहे हैं युवा, जनता के टैक्स की बर्बादी कर रही है सरकार और मौज कर रही है, तो ये बताता है कि किसान किस तरीके से परेशान है। जनता के टैक्स की बर्बादी कर रही है, जो जनता भर भर के टैक्स देती है, सड़कों पे चल नहीं पा रही है, तो ये सारी परेशानियों के साथ देश जूझ रहा है। मैं किसी के बयान का और उसके समर्थन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो देश में स्थिति है, कल ही लाठीचार्ज, आप लोगों की हत्या करा देंगे, इससे पहले भी आपके नेताओं ने प्रधानमंत्री की हत्या की योजना को उजागर किया है, आप हत्या करना चाहते हैं और सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, मतलब इस देश के लोगों की हत्या करने वाले आप देश के नेताओं की हत्या करने की योजना बना रहे हैं, ये बात को इंगित करते हैं। आपकी जो नेता है वो भड़काऊ भाषण देते हैं, गांधी जी को कोसते हैं, जो जिनने आजादी दिलाई है उनको कोसते हैं, आप लोग का काम ही कोसना है जनता के। राहुल गांधी जी जो राजनीतिक राजनीतिक विरोध रखना, उसके मतों से विरोध रखना एक अलग विषय, लेकिन जनता को इस तरह से उकसाना कि नरेंद्र मोदी की नीति से काबिज होने के लिए विरोध करके जनता पीएम आवास में घुस जाएगी पब्लिक मीटिंग में, उचित नहीं लगता है।
आज बेरोजगार युवा सड़कों पर है। यदि थोड़ी भी शर्म बची हो और सज्जन वर्मा जी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते तो कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाई। उस खबर को भी हमने दिखाया, उस खबर को भी हमने दिखाया, वो वाटर कैनन की छींटे जो पड़े कार्यकर्ताओं पर, प्रदर्शनकारियों पर, उस पर हम सुबह से लगातार बने रहे। आप देखा कीजिए न्यूज 18, इस खबर पर हम लगातार बने रहे, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबकी आवाज जनता तक पहुंचाना हमारा काम है सर। मीडिया को टारगेट करने की कोशिश ना करें, उनके लिए गेटवे जोन लिखा है मैंने, डगलस जी से बात भी की है। और हमारे सहयोगी, हमारे सहयोगी मिथिलेश को भी चोट आई है, कैमरामैन को भी चोट आई है सर उस प्रदर्शन में। सरकार को आप खुली, अगर सरकार की नीतियों का विरोध होगा, प्रदर्शन होगा, तो उस खबर को भी न्यूज 18 हमेशा दिखाता है, सामाजिक सरकार पर हमेशा डटा रहता है। लेकिन मीडिया को टारगेट करना राजनीतिक दलों का एक हथियार बन गया है। बहरहाल अब उम्मीद करते हैं कि इस तरह के बयान आगे, जिस पर पार्टी सोच समझकर विचार करके इस तरह के बयान पब्लिक में दें तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव जी आपका समय निकालने के लिए। मिलन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वासु चौरे हमारे साथ जुड़े रहे, वासु बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और इंदौर के द्वारकापुरी की घटना आपको दिखाते हैं। थाना क्षेत्र बीएससी के छात्र का कार से 5 बदमाशों ने आकर अपहरण किया और 2 घंटे तक उसे पीटते रहे पीड़ित छात्र। पैदल मोबाइल पर बात करते हुए कॉलोनी की सड़क से गुजर रहा था कि तभी पीछे से आई एक कार और उस कार से उतरे बदमाश ने उसका जबरन अपहरण कर लिया। और ये देखिए, ये वो फुटेज है जिसमें ये पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है और फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की पहचान कर चुकी है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, और कार का नंबर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है सीसीटीवी वीडियो में। और अब क्या कुछ कार्रवाई इनके खिलाफ की जाती है ये भी देखने का विषय होगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का ये पूरा मामला है, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त बनाए रखना। इंदौर में खासकर जिस तरह की ये घटना हुई है, ये निश्चित रूप से पुलिस के इकबाल पर सवाल उठा रही है। और विदिशा में छात्राओं के साथ मारपीट का एक मामला, जहां अधीक्षिका पर छात्रावास में मारपीट करने का आरोप लगा और अभिभावकों ने अधीक्षिका पर कार्रवाई की मांग की। शमशाबाद के पीपलधार बालिका छात्रावास का यह पूरा मामला है। दरअसल अपने ऊपर लगे आरोप पर अधीक्षिका ने कहा, पढ़ाई नहीं करने पर डांटा और कुछ मारा है। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उस तरह की कोई बात नहीं है। हालांकि विदिशा में छात्राओं के साथ मारपीट के मामले में अधीक्षिका ने अपनी सफाई जरूर दी है, लेकिन अभिभावकों ने इस पर कार्रवाई की मांग की है। ये शमशाबाद का पीपलधार बालिका छात्रावास का मामला है और जिस तरह से अधीक्षिका पर आरोप लगे हैं उस आरोपों का खंडन कर रही है और उनका कहना है कि पढ़ाई न करने और ठीक तरीके से व्यवहार न करने के लिए डांटा है और कुछ थोड़ा मारा है। हालांकि इस पूरे मामले में अधीक्षिका पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं छात्राओं की तरफ से। अगली खबर मुरैना से, जहां हर्ष फायरिंग की सूचना पर छापा मारा गया और बर्थडे पार्टी में असलहों का इस्तेमाल किया जा रहा था हर्ष फायरिंग के लिए। सबलगढ़ पुलिस का कलंगी रिसोर्ट पर छापा, 2 पिस्तौल 18 कारतूस बरामद किए गए। मौके से 4 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है। आदतन अपराधी कक्कू जादौन की ये बर्थडे पार्टी थी और रिसोर्ट में 6 से ज्यादा बार डांसर्स मौजूद थी। रिसोर्ट से सीसीटीवी पुलिस वीडियोस खंगाल रही है और उन वीडियोस के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और कलंगी रिसोर्ट में छापा मारकर पुलिस ने 2 पिस्टल 18 कारतूस बरामद किए हैं और मुरैना से ये पूरा मामला सामने आया है। और आपको बता दें कि मुरैना में जिस तरह बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग की गई, इस हर्ष फायरिंग की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आदतन अपराधी कक्कू जादौन, जिसके पास से 2 पिस्टल और कुछ कारतूस वहां से बरामद हुए हैं और जो अन्य लोग हैं उनसे हथियारों की बरामदगी हुई है और बाकायदा ये पूरी तस्वीर सामने आई। बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग की आखिर क्या ज़रूरत है और ये बात अभी तक लोगों की समझ में नहीं आ रही है। और खंडवा में मोबाइल शॉप पर चोरों ने धावा बोल दिया और मोबाइल शॉप की छत को तोड़कर चोर अंदर घुस गए। मोबाइल और अन्य सामान चोरी करके फरार हो गए। लाखों रुपए का सामान यहां से चोरी किया गया बताया जा रहा है। तस्वीरें चोरी के बाद दुकान में इस तरह के हालात थे उसकी हम आपको दिखा रहे हैं। और खंडवा से चोरी का ये पूरा मामला सामने आया है।
लाखों रुपए की चोरी मोबाइल शॉप में हुई है। सबलगढ़ पुलिस ने और मुरैना में रुपयों से भरा हुआ बैग चोर लेकर फरार हो गए। बाइक से पैसे चोरी करते दिखाई दिया चोर और सीसीटीवी वीडियो भी इसका सामने आया। दरअसल रुई मंडी निवासी सचिन गुप्ता का बैग यहां से चोरी हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाई, ये देखिए ये वो चोर हैं दरअसल दोनों जो बाइक पर सवार हैं, और पीड़ित व्यापारी ने पुलिस में इसकी शिकायत दी है और चोरों की तलाश में फिलहाल मुरैना पुलिस जुट गई है। और ये तस्वीर सीसीटीवी वीडियो की आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। तस्वीर में जो दो शख्स नजर आ रहे हैं दरअसल इन्होंने ही उस बैग को वहां से उठाया और बैग ले जाते हुए साफ तस्वीरों में ये दिखाई दिए हैं। और कोई नंबर प्लेट बाइक पर नहीं है और स्कूटी सवार सचिन गुप्ता इस वीडियो में दिखे हैं, और उसके बाद दो चोर एक बाइक से जिस पर की कोई नंबर भी नहीं है वो भी नजर आए हैं। स्पष्ट ये पूरा मामला, पीड़ित व्यापारी ने पुलिस में इसकी शिकायत दी और चोरों की तलाश में मुरैना पुलिस जुट गई है। मुरैना से ये पूरा मामला सामने आया जहां चोरी का सीसीटीवी वीडियो दिखाई दे रहा है। चोरी का ये वीडियो जिसमें बाइक से आकर बिना नंबर प्लेट की बाइक से आकर चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो गए। और टीकमगढ़ में सरकारी स्कूल भवन की हालत खस्ता है। जर्जर भवन के चलते छत से टप टप टपक रहा पानी और दीवारों में आई दरारें छात्रों को डर के साए में पढ़ने को मजबूर करती हैं। बारिश का ये पानी कैंपस में घुटनों तक भर आता है, ऐसे में छात्रों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है और किसी भी वक्त कोई भी हादसा यहां हो सकता है, लेकिन प्रशासन का इस पर कोई असर नहीं। शहर के जानकी स्कूल की जब यह हालत है तो दूर दराज वाले स्कूलों की क्या हालत होगी। आप देख रहे हैं कि ये कक्षा पांचवी की कक्षा जहां पर संचालित होती है, ये जानकी बाग स्कूल है जहां नवीन भवन बनाया गया था, उसकी भी हालत पुरानी बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा खराब है। और आप देख रहे हैं कि जब बारिश होती है तो इस छत से तमाम जगह से पानी टपकने लगता है। आप देख रहे हैं कि छत के ऊपर सीलन किस तरीके की है, आखिर ऐसे में बच्चे किस तरीके से बैठ के पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि आदि कक्षा में हम देख रहे हैं कि यहाँ खाली है और जहाँ पे थोड़ा बहुत सूखा है वहाँ पे बच्चों को बैठकर पढ़ाया जा रहा है और बच्चों को भी काफ़ी दिक्कत आती होगी। और हम बच्चों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि जब यह बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में छत से पानी टपकता है, तमाम बच्चे देखिए आप बैठकर किस तरीके से पढ़ाई करते हो, और जब छत से पानी टपकता है तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी खासी दिक्कत आती है। क्या मैडम यहाँ पे जो कक्षा संचालित हो रही है, कौन सी कक्षा है ये आपकी? सर फिफ्थ है, फिफ्थ क्लास। अच्छा, ये आधी कक्षा में क्यों लगाए आप लोग? यहाँ पूरे में सीलन हो गई है, ऊपर से पानी पूरे में टपक रहा। सबसे नई बिल्डिंग है? हाँ है तो नहीं, तो नई बिल्डिंग में भी पानी टपक रहा है तो पूरे में ऊपर से जमा। मैदान भी देखिए आप, मैदान कैसा है। तो देखिए जो स्कूल में जो कक्षा में टीचर्स हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पे छत से पानी टपकता है और बच्चों को पढ़ाई करने में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। राजीव रावत, न्यूज 18, टीकमगढ़। और रीवा और सागर में जर्जर भवन गिरने से हुए हादसे के बाद पूरे प्रदेश में जर्जर भवनों को ध्वस्त करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आदेश दिए हैं, और इसी के तहत रीवा नगर निगम ने जर्जर भवनों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। रीवा नगर निगम क्षेत्र में 200 से ज्यादा भवन जर्जर स्थिति में हैं, जहां ऐसे भवनों को चिन्हित कर कार्रवाई के लिए नोटिस चस्पा किया गया है। और यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।